नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने जितनी स्लीव की लंबाई रखनी है उस हिसाब से अस्तर और कपड़े दोनों पर कट कर लिया है। तो देखिए, इसकी जो हमने लंबाई ली है तो 5.5 इंच ली है। तैयार ये 4.5 इंच होगी। अब देखिए, नीचे से 1.5 इंच पर निशान बनाएंगे, उसके बाद ऊपर से 3 इंच पर बनाएंगे, 3 इंच 2 पॉइंट पर बनाएंगे। यहाँ पर 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस तरह बीच में छोड़ देना है। और देखिए, जो नीचे से ये 1.5 इंच लिया है उसे इस तरह गोलाई दे देना है। दूसरी साइड भी निशान समझ में आ रहा है तो अच्छे से बना लेना है। तो देखिए, इसे हम अभी कट नहीं करेंगे, सिर्फ इसका निशान बनाया है डिजाइन का। अब इसे कपड़े पर रख के पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद इसे कट करना है। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है, अब इसे कट कर लेना है। अब देखिए, कट लगा देंगे, जहां तक राउंड में है तो कट लगा देना है। उसके बाद देखिए, इसको पलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए, बस सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच ही जगह बची हुई है। तो देखिए, इसे पलटने में अच्छे से यहाँ से एक बार निकाल लेंगे तो ये अच्छे से पलट जाएगा। तो इस तरह देखिए, पलट गया है। अब देखिए, अच्छे से बनाते हुए सिलाई लगा देना है। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है। अब देखिए, इस तरह 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा कट करके लेंगे। तो इससे हमें पतली पट्टी बनाना है। तो या तो आप सिलाई लगा कर इसे पलट कर सीधा कर लेना है, या तो फिर इस तरह से हम मोड़ते हुए इस पर सिलाई भी लगा देंगे। तो देखिए, इसे हम इस तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा कर बनाएंगे। तो इस तरह से इस पर सिलाई लगा दी है। देखिए, 1.5 इंच की कट कर लेना है। अब देखिए, इसको इस तरह से लगाना है, 1/2 इंच छोड़ देंगे ऊपर सिलाई के लिए, उसके बाद इस तरह से इसको लगाएंगे। तो 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से इसे लगा लेना है। तो इस तरह देखिए, लगा लिया है। एक साइड में हमने 4 डिजाइनें लगाई हैं, दोनों साइड में बिल्कुल इस तरह से बराबर से मिलाकर लगाना है एक दूसरे के सामने। अब देखिए, लेस लगाएंगे।
तो इस तरह देखिए लेस को लगा दिया है। तो देखिए डोरी लेंगे तो देखिए डोरी थोड़ी सी बड़ी ले लेनी है। अब देखिए इन डिजाइनों में इस तरह से डोरी को डालना है। इसी तरह देखिए क्रॉस करते हुए सभी डिजाइनों में डाल लेना है। तो इस तरह देखिए सभी डिजाइनों में डाल लिया है। तो जितनी चौड़ाई कट रखा है उसी हिसाब से इसे फैला लेना है। फैलाकर अच्छे से मिला लेना है। और देखिए डोरियाँ छोटी नहीं लेना है, अगर डोरी छोटी हो जाएगी तो फिर दूसरी डोरी लेनी होगी, तो इसलिए थोड़ी सी बड़ी लेना है। तो इस तरह डालने के बाद अगर जो ज़्यादा बड़ी आई है होगी उसे कट कर देना है। देखिए हमारी जो डोरी है तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब दोनों पर इस पर लटकन लगा लेंगे इसी कपड़े की। तो देखिए यहाँ पर जो लटकन लगाएंगे तो ज़्यादा बड़ी नहीं लगाएंगे, तो इस तरह जो ज़्यादा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इसी तरह दूसरे पर भी बना लेंगे। तो इस तरह देखिए दोनों पर लटकन लगा दी है। अब देखिए दोनों डोरी को यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई लगा देंगे तो ये अच्छे से ये सेट रहेगी। तो देखिए डोरी पर सिलाई लगा दी है, अच्छे से ये सेट हो गई है। अब देखिए इसे डिजाइन बनाने के बाद कट कर लेना है, जैसे सिंपल स्लीव कट करते हैं। तो इस तरह देखिए इसे कट कर दिया है। तो डिज़ाइन बनके तैयार है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।